अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को ऊंजा शरीफ के मीर अली दातार बापू के मामू साहब के दरगाह पे लेकर आया हूँ, जो कि बीच रोड में वाकया है। तो आज मैं यहाँ के बारे में जानूंगा कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है, तो पूरी जानकारी करके आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस पेड़ पे काले कपड़े को क्यों बांधा जाता है, तो जानकारी करते हैं और आपको बताते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मामू जान की दरगाह, दातार बापू की मामू जान की दरगाह जा रहे हैं। चलो आपको दिखाते हैं। ये पूरा मार्केट है ना जी, जब मेला लगता होगा, उरुस आता होगा, तो ये तो पूरा भरा रहता होगा। ये सब सारी दुकानें होती है। अच्छा, ये सारी दुकानें होती है ना, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है इधर के। और आपको मेला ग्राउंड भी दिखाएंगे। तो गाइस पानी लिए हम लोग मामू हमजा साहब की दरगाह पे पहुंच चुके हैं, जो कि मेरा दातार बापू के मामू साहब की दरगाह है। तो अभी हम लोग आपको यहीं ज़ियारत कराने लेकर आए हैं, बता दूं कि वो देख सकते हो आप सामने मीरा दातार बापू की दरगाह है। यहाँ से आप लोग पैदल भी आ सकते हो, और अगर ऑटो से आओगे तो मात्र 10 रुपये लेंगे, है ना? वहाँ से यहाँ तक आप 20 रुपये लेंगे। एक आदमी का 20 रुपया, चार इंसान का 20 रुपये एक साथ, मतलब 5 रुपये पर आदमी आएंगे। यहाँ से आप सामने देख सकते हो, मतलब कितना आधा किलोमीटर है, चार जने चल लिया, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये है मामू साहब की दरगाह, मामू हमजा शहीद बाबे हमजा बुलंद गेट। तो अभी आपको बाबे हमजा बुलंद गेट होते हुए दिखाता हुआ जाता हूँ। ये देख सकते हो, हम लोग मामू साहब की दरगाह पे आए हैं, तो यहाँ के बारे में भी जानकारी करेंगे कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है। और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हर जगह फूल की दुकान है यहाँ पर। हाँ अच्छा, ये बताइए यार, माशाल्लाह मैंने देखा कि फूल के साथ साथ यहाँ पे ताज भी बिक रहा, मतलब ताज भी बिकता है, मतलब सरकार में ताज भी पेश होता है। अच्छा, चाहे मीरा दातार बापू हो चाहे यहाँ पे। अच्छा, ये देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे ताज बिकते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ के लोग ताज क्यों पेश करते हैं? ये सरकार का ताज माना जाता है, ताज यानी सरकार ताज जी दरबार में पेश होता है, तो चादर फूलों के तोहफे के साथ ताज भी पेश होता है। अगर कोई मेहमान करवाना चाहता है तो उनको वीडियो की ज्यारत के हिसाब से होता है, या आप हाजिर हो तो हाजिर हो के भी आपके हाथ से पकड़ के पेश होता है ताज। हाँ, ताज। तो मतलब मैंने कई दरगाहों में देखा कि चादर पेश होता है, यहाँ पे स्पेशली ताज। इसका कुछ बता, ताज का मतलब वही है कि अपने बात है कि अपने सर के लिए टोपी लेते हैं जी, ऐसी दरबार में अपने हजरत के लिए टोपी लेके जाते हैं। ये सरकार सैयदली मीरा दातार बाबा के मामू जान है जी, जो मामू हमजा जलाली नाम जी, मामू हमजा जलाली जी। तो इनके दरबार में कैसी भी कोई भी तकलीफ होती है तो इस फौरट में सब परेशानी खत्म होती है जी। तो ऐसे ही जाना जाता है मामू हमजा का दरबार, जो सैयद अली सरकार की मामा जान जी। आइए आप लोगों को ज्यादा करा देते हैं, आप ताज देख सकते हो, माशाल्लाह कितने खूबसूरत ताज, इस दरगाह में ताज पेश होते हैं। ये जो मामू हमजा में पेड़ है, अगर ये क्या है कि ये लिंगू जाना जाता है, अगर किसी के शरीर में कुछ जिस्म रूहानी जिस्मानी बाकी कोई भी ऐसे जात की परेशानी होती है, हाँ, तो वो परेशानी का उतारा होता है दातार बाबा में मामू जान में। तो ये मामू जान में उतारा करके सर के बाल लेकर ये लींबू घुमाकर या फिर किली के सहारे टंगाया जाता है जी। और ऐसी कोई भी परेशानी होती है तो 11 दिन में या तो 40 दिन में या तो 21 दिन में यहाँ मामू हमजा में खत्म होती है। अच्छा जी, इसी प्रकार से ये काला हरा कपड़ा भी बांधा जाता है जी, इस प्रकार से होता है। ये काला हरा कपड़ा अपने अकीदत के हिसाब से लोग बांधते हैं, जिसकी जितनी जो परेशानी होती है वही। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, बला होती है, वो सारी ठीक हो जाती है, खत्म हो जाती है यहाँ। ये बस नहीं, वो कुछ। अच्छा, तेल भी चढ़ाते हैं यहाँ पे जी? तेल भी चढ़ाते हैं? नहीं, तेल का चिराग अंदर रोशन है माशाल्लाह। हम लोग दरगाह शरीफ, आइए आप लोगों को ज़ियारत करा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर काफी लोग जा रहे हैं, काफी दूर दूर से आते हैं। सैयद अली मीरा दातार बाबा के मामा जान हैं जी, और
हमारी इस दरबार में कैसी भी ला इला कोई भी तकलीफ परेशानी होती है तो ये परेशानी या दातार बाबा में और मामू जान में ख़त्म होती है। वो दातार बाबा है और ये इनके मामू जान, जैसे रूहानी जिस्मानी बातें परेशानी जैसा आपको बताया जी झाड़ के इस परेशानी से यहाँ पर एक जाति ये मामू हमजा जो है वो जलाली जी, कोई भी तकलीफ परेशानी होती है अगर चंद चुटकियों में ये सारी परेशानियों को ख़त्म करते जी। और दातार बाबा के मामू जान हैं, उनके विद्या बहुत बेहतर है माशाल्लाह। और ऐसी कोई भी तकलीफ परेशानी आपको अगर किसी को भी होती है तो आप हमको कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसी कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मामू जान का दरबार है, आप ज़्यारत करेंगे अभी। के नाम से इस प्रकार से जो देख रहे हो आप सारे जी जी इस प्रकार से यहाँ धागा बांधा जाता है जी। और इस धागे की 40 दिन की मुद्दत होती है जी। और इस धागे में ला इला कैसी भी परेशानी हो सारी परेशानी 40 दिनों में खत्म होगी। और इस प्रकार से सारे मेहमानों के धागे बदले फिर दरबार में लाने के बाद मेहमान को चादर उड़ाई जाती जी। और चादर में कुछ चंद बातें बोली जाती है जो मामू हमजा का बोले जाता है दरबार में जो दुआ होती है इस प्रकार से लाइला दुआओं से हम उनकी आल है उनकी औलाद है। और इस दुआओं से मामू जान सब मेहमानों को शिफा देते हैं जी। और हमारा यहाँ से शिफा का पैगाम पहले से मिलते आ रहा है जी। तो मामू जान का लिए मेन दरबार जी जी सलामी दरबार में हाजिर हूँ ज़्यारत करवा दीजिए जी। ज़्यारत करना हाजिर हुए से बिलोंग करते हैं इनका दाता बाबा। तो इनके रोजी रोजगार में इनके कारोबार में इनकी रोजी में कारोबार में दाता बाबा ठीक है करा सकते तो आपके दरबार में आपको जला आप तो हमसे बेहतर जानते हो मामू जान। अगर इनके इनके हाथों पैरों पर इनके दिलो दिमाग पर तकलीफ हो परेशानी हो आप सबके सबके सारी परेशानियों को खत्म कर दो और इनके मकसदों को पूरे करो इनकी मुरादों को पूरी करो इनकी दायर तमन्नाओं का बड़ा पार करो। और दातार बाबा हमेशा बुलंद जो कोच हुए जो हिफाजत करो मदद करो आप तुम तो गाइज़ फाइनली आप लोगों को मैंने मीर अली दातार बापू के मामू साहब की दरगाह दिखा दी है माशाल्लाह। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मीर अली दातार बापू की वीडियो देखना पूरी हिस्ट्री के साथ में दादी अम्मा की चक्की के बारे में जानकारी करना चाहते हो अब बाबा जान कौन थे कहाँ से आए थे बाबा जान की क्या करामत है मीर अली दातार बापू की तो आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो मिस्टर खान अजमेर पार्ट 1 सर्च कर लेना ऊंजा शरीफ दरगाह मिस्टर खान अजमेर ऊंजा शरीफ दरगाह पार्ट 1 ताकि आपको वीडियो मिल जाएगी। Thank you.
पहचानते हो? अच्छा अच्छा तो गाइस फाइनली आज हम लोग हैं ऊंझा शरीफ में माशाल्लाह। तो हमें हमारे भाई लोग मिले हैं जो कि खैरालू से आए हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? होटल में नाश्ता खाने जाए। अभी हमारे भाइयों के साथ जाते हैं। ये देखो ये रहे भाई। तो अभी हमारे भाइयों के साथ जाते हैं। आगे क्या बोलते हैं, कौन से होटल पे जा रहे हैं? कार दिख गई। ओके चलो चलते हैं, अभी चाय नाश्ता कराते हैं और आप लोगों को शेयर कराते हैं यहाँ की ऊंझा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और अभी हम लोग चाय नाश्ता करने आते हैं। होटल दिखा सकते हो आप? तो अभी हम लोग चाय नाश्ता करने आते हैं। ये यहाँ की सबसे बेस्ट होटल है, चाय नाश्ता फास्ट फूड के हिसाब से दरगाह के पास में ही है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली अगर आप लोग चाहते हो सस्ते और अच्छा रूम के बारे में जानकारी करना, सस्ता और अच्छा खाना कहाँ पर मिलता वो जानकारी करना, तो आप पार्ट वन सर्च कर सकते हो मिस्टर खान अजमेर और ऊंझा शरीफ दरगाह। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। तो मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।